हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी का ऐसा उपाय जो काफी सरल है, जिसे जो है दुख बीमारियां तुरंत दूर होंगी। और सबसे अच्छी बात की यह घर के ही मंदिर में गणेश जी की फोटो प्रतिमा है तो वहां पर किया जा सकता है। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी को शाम को यह उपाय करें या दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। गणेश जी महाराज की छोटी सी ही सही पूजा कर लीजिए, उसके बाद जो है दीपक लगा लीजिए। और आप सभी को दुर्वा लेनी होगी, इनकी संख्या जो है दुर्वा की संख्या 41 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 41 होनी चाहिए। अब आप सभी को गणेश जी महाराज को आप चाहें तो ओम गंग गणपताय नमः कहते हुए समर्पित कर सकते हैं, या सामान्य तौर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप गणेश जी महाराज से यह दुर्वा मांग कर वापस ले लीजिए कि हे गणेश जी महाराज, मेरे पेट से संबंधित समस्या है, मेरे किडनी से संबंधित समस्या है, या मेरे जो है बच्चे की यह प्रॉब्लम है, मैं औषधि के रूप में इसे ले रही हूँ। और अपने पास लेकर इसे रख लीजिए थोड़ी देर चढ़ाने के बाद, क्योंकि मंत्रों की शक्ति से और प्रभु पर चढ़ी हुई चीज जो है अभिमंत्रित हो जाती है। अब आप सभी को इसे लगातार सुबह सुबह खाली पेट थोड़ा सा मात्रा चबा चबा कर खा लेनी है। बच्चा हो या बड़ा, इसे आराम से चबा चबा कर खा लेना है, खाली पेट खाना है। उसके बाद जो है आपको पानी पीना है थोड़ी देर रुक कर। बस मात्र यह कार्य करना है। आपके पेट संबंधी कोई समस्या हो, शरीर में कहीं भी गांठ हो गई हो, किडनी या कोई भी बाल झड़ रहे हो, स्किन में कोई डिजीज हो गया है, फोड़े फुंसी, सफ़ेद चमड़ी पड़ गई है या झाई इत्यादि हो गई है, तो सब चीज़ में यह सफ़ेद दुर्वा का उपाय, जो सामान्य तौर पर सफ़ेद जो दाग भी हो जाते हैं उसके लिए भी है, बहुत सरल है। करके देखिएगा, लाभ जरूर होगा। आज बुधवार की शाम को करना, और जो है इसे उसी टाइम जो है भगवान जी से मांग लेना। देखिए, विश्वास से कोई कार्य किया जाए तो फलित होता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी दुर्वा का इस्तेमाल कई दवाइयों को बनाने में होता है। तो यह छोटा सा कार्य आप करके देखिएगा, काफी सरल है, आपको जरूर लाभ देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।